हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? वेलकम टू माय चैनल। तो ये 5:45 बज चुकी हैं और मैं उठ गई हूँ, नहा ली हूँ, कपड़े धो लिए हैं और अब चलते हैं छत पर कपड़े सुखाने और थोड़ा सा घूमने, पक्षियों की आवाज़ सुनने। तो चलिए छत पर चलते हैं। ये देखिए मैं आ गई हूँ छत पे और छत साफ की हुई है, धोई हुई है। इस टाइम साफ इसमें पानी डाल देते हैं तो ये साफ़ हो जाती है, वाइपर से खींच देते हैं पानी ऊपर भी और नीचे के आंगन में भी। कभी मैं खींच देती हूँ पानी को, साफ़ कर देती हूँ, तो कभी वो कर देते हैं। तो आज मैंने कपड़े धोए थे, खाली बेडशीट रह गई थी, बाकी कपड़े मैंने कल धो लिए थे, मतलब बुधवार को धो लिए थे और ये धोया शुक्रवार को। तो बेडशीट बचे थे वो सारे धो लिए थे और उसके बाद मैंने थोड़ा सा छत में चक्कर लगा लिया था, क्योंकि जब मैं छत में आती हूँ तो फिर चक्कर लगा ही लेती हूँ। एक पंथ दो काज हो जाते हैं कि छत में आई हूँ तो फिर थोड़े से चक्कर लगा लूँ। तो बस मैं लगा रही हूँ चक्कर थोड़े से और खुली हवा खा रही हूँ। तो 8 बज चुके हैं, बहू भी आ गई है ऊपर का अपना काम समेट कर और चाय बन चुकी है। अब हम लोग पियेंगे चाय और उसके बाद बहू जाएगी ऊपर पढ़ने, क्योंकि उसे पढ़ाई करनी है, 2 तारीख को उसका एग्ज़ाम है। तो मैं सब्जी काट रही हूँ, आज मैं बनाऊँगी अरबी। यहाँ पर अरबी, फली, आलू और टमाटर, बस यही सब्जियाँ मिल रही हैं, करेला वगैरह। जो भी गाड़ी वाला ले आता है वो सब्जियां ले लेते हैं और अभी जैसे तैसे काम चला रहे हैं। ऐसे वक्त में हाँ, सब्जियों को नहीं देखा जाता, जो मिल रही हैं वही खा रहे हैं हम लोग। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल, कैसे हैं आप सब लोग? तो मैं फिर आ गई हूँ किचन में और जैसा कि आपसे कल कहा था कि बच्चों के एग्जाम है तो सुबह की छुट्टी दे रखी है मैंने बहू को। आज फिर वो बहुत कह रही थी कि मैं बनाऊं खाना, मैं बनाऊं, लेकिन खाना मैं ही बनाऊंगी सुबह ठंडक में, वो पढ़ लेगी। तो मैं आ गई हूँ किचन में और अरबी की सब्जी बना रही हूँ, जिसकी रेसिपी मैंने आपको दे रखी है, लेकिन फिर भी आप देख लीजिए। तो अरबी को तल रही हूँ मैं, तेल चढ़ा दिया है मैंने। मैं अरबी को तल के ही बनाती हूँ, हमारे घर में इसको तली हुई जो सूखी सब्जी होती है वैसी ही पसंद है सबको। तो मैं बना रही हूँ लस्सी, मलाईदार लस्सी, क्योंकि सबको घर में लस्सी पसंद है। तो रात को मैं दही जमा देती हूँ
और सुबह सबके लिए लस्सी बना देती हूँ। तो ऊपर बच्चे पढ़ते रहते हैं तो उसके पापा दे आते हैं ऊपर, मेरे से तो बार बार चढ़ा नहीं जाता है तो पापा ऊपर दे के आ जाते हैं। बच्चे बोलते भी हैं पापा आप मत आया करो, लेकिन दे आते हैं कि उनको बीच में डिस्टर्ब हो, इसलिए हम खुद ही दे आते हैं। इसके पापा तो चढ़ते रहते हैं छत में तो वो दे आते हैं। तो दोनों को लस्सी दे देती हूँ तो थोड़ा सा आधार पेट में हो जाता है, ठंडक भी हो जाती है लस्सी से, कभी छाछ और कभी लस्सी बना कर दे देती हूँ। तो दोनों पढ़ते रहते हैं और उसके बाद वो 11 बजे नीचे आ जाते हैं और खाना बन जाता है। तो फिर खाना खा के और फिर एक बार वापस चले जाते हैं थोड़ा रेस्ट करके, और फिर वो चाय बनाने के लिए ही बहू आती है। तो लस्सी बनकर तैयार है मलाईदार, और दोनों बच्चों को मैं ऊपर भेज दूंगी। ऊपर मैं लस्सी को ढककर भेजती हूँ, सफ़ेद चीज़ है इसलिए थोड़ा सा डर लगता है। तो दोनों गिलासों को मैं कटोरी से ढक के और फिर ही ऊपर भेजती हूँ, और उसके पापा ऊपर देकर आ जाते हैं। तो बस लस्सी गिलासों में डालकर और कटोरी से ढककर ऊपर भेज रही हूँ। तो दोस्तों सारा काम हो गया है मेरा, दाल बन गई, सब्जी बन गई, रोटी बन गई, सफाई भी कर दी मैंने किचन की, जो बर्तन साफ करने थे थोड़े छोटे मोटे, लस्सी वगैरह पी थी हमने उसके वो भी कर दिए, और आमरस भी बना के फ्रिज में रख दिया। तो बस अब बहू आएगी तो बाद का काम बहू संभाल लेगी, खाना वो लगाएगी, बर्तन साफ करेगी, और बस फिर हम लोग रेस्ट करेंगे। तो बाद का काम बहू करेगी और अभी मैं हवा खाऊंगी, पूरी गीली हो गई हूँ किचन में, पूरी गीली हो जाती हूँ, पंखा चला लेती हूँ उसके बाद भी मैं पूरी गीली हो जाती हूँ। तो अब मैं जा रही हूँ हवा खाने। बहू आ चुकी है नीचे और अब बाद का काम वो सारा संभालती है, खाना लगाती है, बर्तन साफ करती है और थोड़ी देर मेरे पास बैठकर और फिर जाती है। तो आप लोगों में से एक जने ने कहा था मुझे कि आपकी बहू के चेहरे में मुस्कान रहती है, इसका मतलब आपके घर का माहौल अच्छा रहता है, ठीक ठाक रहता है। तो बात बिल्कुल सही है, मेरे घर का माहौल बिल्कुल अच्छा है, इसीलिए बहू के चेहरे में मुस्कुराहट है, और बहू के चेहरे में वैसे भी मुस्कुराहट है, उसकी मुस्कुराहट ही उसकी खूबसूरती है। मैं पहले भी कह चुकी हूँ कि चेहरे की मुस्कुराहट ही चेहरे की सबसे बड़ी खूबसूरती है, और हमारे घर में सब ही मुस्कुराते रहते हैं, किसी का मूड भी ऐसा नहीं रहता है जिससे कि हमारी बहू का मूड खराब हो। हम उसका मूड कभी ख़राब होने ही नहीं देंगे, हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि हम बहू के चेहरे में कभी भी उदासी नहीं आने देंगे, कारण हम उसको बेटी बनाकर लाए हैं, बहू बनाकर नहीं लाए हैं। तो हमारे घर का माहौल अच्छा रहता है और हम सभी मुस्कुराते रहते हैं। मेरी भी मुस्कुराहट पर आप लोगों ने काफ़ी अच्छे कमेंट्स किए हैं, तो हमारे घर में हमेशा खुशहाली बनी रहे। बस भगवान से यही प्रार्थना आप लोग भी कीजिए कि हम लोग सब ऐसे ही खुशहाल रहें।
तो दोस्तों अभी बजी है 6 बजने वाली है शाम की। दोपहर में आ गई थी बहू, चाय वाय बना के गई थी वो, तो मेरे को आज गैस इतनी बनी पेट में, बहुत ज्यादा गैस बनी। तो चूरन बनाने का आलस कर रही थी इतने दिनों से, तो अब मैं चूरन बना रही हूँ। अभी सौंफ खा रही हूँ, रोज लौंग या इलायची रखती हूँ मुंह में, आपसे बात करती रहती हूँ। बहुत ज्यादा मेरी गैस बन रही, तो अभी चूरन बना रही हूँ मैं। वैसे रेसिपी आपको दे रखी है, फिर भी बता देती हूँ। 2-2 चम्मच के हिसाब से लेना है, 2 चम्मच सौंफ, 2 चम्मच जीरा और 2 चम्मच अजवाइन, और नमक अपने स्वाद के अनुसार लेने, काला नमक। तो जीरा और अजवाइन को तो हमें सेकना है, रोस्ट करना है थोड़ा सा कढ़ाई में, और सौंफ को नहीं सेकना है। और इन चारों चीजों को, जीरा, अजवाइन और सौंफ और नमक को मिलाकर इसका चूरन बना देना है मिक्सी में। तो वो ही बना रही हूँ, बहुत ज्यादा गैस बन गई। तो 2-2 चम्मच के हिसाब से इसकी क्वांटिटी ले लें, जितना आपको ज्यादा बनाना है उतना 2-2 चम्मच के हिसाब से ज्यादा ले लें। जैसे आपको ज्यादा बनाना है तो 4 चम्मच ले लें, 6 चम्मच ले लें, जीरा है जो है। तो मैंने तो अभी 2-2 चम्मच लिए हैं, मैं इन दोनों को साथ में ही सेक रही हूँ। वैसे अलग अलग सेकते हैं पर साथ में ही सेक। इनको रोस्ट करके और फिर मिक्सी में पीस लें, और इस चूरन को सुबह गर्म पानी के साथ ले लें। मैं तो ऐसे ही करती हूँ, तो उसके बाद खाना खाने के बाद ले लें गर्म पानी के साथ 1 चम्मच, और रात का खाना खाने के बाद ले लें, तो मेरे तो ठीक रहता है। अगर आप लोगों को भी किसी को गैस बनती हो तो ये चूरन वेट लॉस भी है चूरन, और ये गैस भी ठीक कर देता है बिल्कुल पेट की। और मैं तो महीने भर से बनाया नहीं, तो मेरी तो हालत ही ख़राब हो गई है। अब मैं आज इसको बना रही हूँ, ये नमक है और ये सब चीज़ें मैं पीस लूँगी मिक्सी में। अभी मेरे पास क्या है, थोड़ी सौंफ का, मैं तो मैंने कम ही बनाया है, अब सौंफ मंगवाऊँगी, उसके बाद मैं इसको ज़्यादा बना के रखूँगी। अभी मैंने थोड़ा सा ही बनाया है क्योंकि गैस बहुत ज़्यादा बन रही है पेट में। तो अब इसको पीस लूँगी और डब्बे में भर के रख दूँगी, और सुबह शाम और दोपहर को गर्म पानी से ले लूँगी, तो मैं बिल्कुल ठीक रहती हूँ। अभी मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो गई इसके बिना, और आलस करती रही, और मैंने इसको बनाया ही नहीं। बस रोज़ सोचते आज बना लूँगी कल बना लूँगी, और इस चक्कर में मेरे इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई, आज बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हुई। तो फिर मैंने कहा आज बना लेती हूँ, आपसे भी शेयर कर लेती हूँ। हालांकि मेरी 2 वीडियो इस चीज़ की बनी हुई है और काफ़ी चल रही है, 1 वीडियो मेरी बहुत अच्छी चल रही है इस चूरन की। तो ये चूरन आप भी ज़रूर बनाकर देखें। तो आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों, कल सुबह की वीडियो में फिर मिलते हैं। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन दबा के। जो नए लोग हैं वो बेल आइकन जरूर दबाए।